आउटसोर्सिंग नौकरी में यूपी में मिलेगा आरक्षण। आरक्षण मॉडल में योगी सरकार करेगी बड़ा बदलाव। अखिलेश यादव की सरकार में नहीं मिला एससी एसटी को हक। आउटसोर्सिंग नौकरी में उत्तर प्रदेश में आरक्षण नहीं होने की वजह से बीजेपी की राज्य में लोकसभा चुनाव में कम सीटें आई। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के नेताओं के बीच समीक्षा बैठक लगातार जारी। ऐसे में बीजेपी यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पूरी ताकत लगा रही है। इसी को लेकर संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दलित ओबीसी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें दलित और ओबीसी नेताओं ने कहा कि हार की एक बड़ी वजह आउटसोर्सिंग में आरक्षण ना होना है। जिसके बाद अब न्यूज वन इंडिया से बात करते हुए विधानसभा की एससी एसटी कमेटी के सदस्य लालजी निर्मल ने आउटसोर्सिंग नौकरी में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। देखिए, आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन के लिए 23 जनवरी 2008 का एक कार्मिक विभाग का आदेश है, जिसमें व्यवस्था दी गई है कि आउटसोर्सिंग और संविदा की नौकरियों में भी अनुसूचित जातियों को और पिछड़े वर्गों को अनुमन्य आरक्षण देय होगा। ये व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, किंतु 2011 में 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो उन्होंने इसे लागू नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ कि अधिकारी निष्क्रिय हो गए। लालजी निर्मल ने सीधे 2011 की तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार पर एससी एसटी के हित में काम नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश की सरकार ने इसे लागू नहीं होने दिया, लेकिन योगी सरकार इसे लागू करने की तैयारी में है, जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर जा चुकी जाति के लोग यानी एससी एसटी का उद्धार हो सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति तथा विमुक्त जाति की संयुक्त समिति ने राज्य के कार्मिक विभाग से आउटसोर्सिंग की नौकरी में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए 23 जनवरी 2008 को शासन देश के अनुपालन के बारे में सभी विभागों से ब्यौरा मांगा है। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की इस समिति के अध्यक्ष एमएलए श्री राम चौहान हैं। समिति के सदस्यों में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, विधानसभा सदस्य त्रिभुवन राम, जयदेवी पलटू राम, मनोज पारस आदि शामिल हैं। सोमवार को इस समिति की बैठक हुई। 23 जनवरी 2008 को तत्कालीन प्रमुख सचिव जेएस दीपक ने सभी प्रमुख सचिवों सचिवों के शासन देश को जारी किया था, जिसे अब लागू करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया।